हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद, आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो आपने पिछली वीडियो में हमारी देखा कि हमारे पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें बाद में शूट कर रहे हैं, तो इसमें हम आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ऑटो ड्रिंकर होते हैं कैसे उनको आप इंस्टॉल करते हैं, और अपने फार्म में हमने कैसे इंस्टॉल किए हैं, तो हम पूरा सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें हमने 1 इंची की बनाई है मेन लाइन, उसके बाद से हमने 2 लाइनें निकाल दी हैं आधा आधा इंची की, एक इस तरफ फार्म में चली गई है, एक इस तरफ यानी बीच में आई है 1 इंची, और एक आगे को चली गई है और एक पीछे को। तो हमने बीच में पूरे फार्म में 1 लाइन बनाई हुई है, ठीक है, आधा इंची की। उसमें हमने ये रिड्यूसर लगा के 3 साइड इनको निकाल दिया है, ठीक है। और एक मेन लाइन से पहले इसमें हमने जो टी दिखा रहे हैं, हम अभी लगा रहे हैं, तो ये टी लगा दी है, जिससे कि पूरी लाइन है बंद हो जाए, जैसे कभी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए अपने टी से बंद कर दो और लीकेज वीकेज वगैरह सारा कुछ देखते रहो। और ये जो 3 जो रिड्यूसर आपको दिखा रहे हैं, ये हमने 3 लाइनें लगाई हैं, 22 फिट का हमारा फार्म है चौड़ाई में, तो ये 3 लाइनें हमने लगा दिए हैं 7-7, 6-6 फिट के अंतर से, और ऐसे ही आगे को हमने बढ़ते गए हैं। तो एक फार्म में लगभग हमने 18 ड्रिंकर को लगाया हुआ, इसी की पूरी हम फिटिंग ये कर रहे हैं, ये देखिए हमने लगा दिए। और लास्ट में भी एक हमने टी लगाई हुई है, जिससे कि जो गर्म पानी है पूरा गर्मियों में, तो उस पानी को हम निकाल दें और ताज़ा पानी बढ़िया से आ जाए। तो इसमें वेट में हमने इसमें बालू भरी हुई है, क्योंकि पानी का क्या होता है कि पानी गर्मियों में सूख जाता है, तो हल्के फीडर हो जाते हैं, तो उनसे फिर पानी आने फैलने की दिक्कत हो जाती है और बार बार इनको भरने की समस्या हो जाती है। तो बालू भरने से एक बार में ही आप फुर्सत हो जाती है, फिर आपको बार बार इनको खोला मूंदी नहीं करनी पड़ती है, और बालू अच्छा खासा वेट भी होता है, तो फीडर ड्रिंकर अच्छा वर्क करते हैं, तो इसलिए हमने बालू भरना प्रेफर किया। तो इसमें जो लटकाने के लिए एक हुक आता है प्लास्टिक का, इसको हमने रिमूव कर दिया है। अच्छा, इसको हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसे हम जब भी लगाते हैं, जैसे हमने लगा दिया है उस फार्म में, हमने सारा सिस्टम जैसा आता है वैसे ही लगाया है, और इसमें एक वो हुक आता है, तो वो हुक है प्लास्टिक का, तो इसमें नीचे जो वेट भरा होता है, तो वो वेट का ये जो है वजन नहीं झेल पाता है वो प्लास्टिक का जो हुक है, तो वो कभी कभी हट जाता है, और जब वो हट जाता है हुक, तो ये ड्रिंकर नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने से फिर पानी फैल जाता है, पूरी पूरी टंकी खाली हो जाती। तो इस वजह से हमने उस सिस्टम को हटा के डायरेक्ट इसमें लगा दिया, और इस जुगाड़ से अब हमने इनको टांग दिए, देखिए इस तरह से हमने टांगे हुए, तो इससे ये अब फैलने का सारा सिस्टम खत्म हो गया, और वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका हुक लगाने का, इसलिए हमने इसमें नहीं लगाए।
तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने इसमें पूरी फिटिंग वगैरह की है। तो फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी फिटिंग हो चुकी है और बहुत ही सुंदर देखने भी लग रहा है। क्या नज़ारा है, देखने में बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने फार्म में कर सकते हैं पूरी सेटिंग। हम किसी मिस्त्री वगैरह को नहीं बुलाते हैं और सारे काम लगभग लगभग हम ही करते हैं। अब इस फार्म में सारा कुछ हम लोगों ने खुद ही किया हुआ है। पूरा सिस्टम यहाँ पर हमने जितना भी लगाया हुआ है सारा कुछ खुद ही करते हैं। जितना हो सकता है वर्करों का पैसा हम बचाते हैं। तो ये थी वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।